नमस्कार, आरकिदांगी चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में जैसा मोबाइल पर आप देख रहे हैं, सरकार ने मांगी बैकलॉग पदों की डिटेल। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कराएगा लिपिक एंड स्टेनो के एग्जाम। लिपिक मतलब आपका साइक ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर, साथ ही साथ सब इंजीनियर साइक इंजीनियर सभी वैकेंसी को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट है। विज्ञापन कब जारी होगा? 30 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा और दिसंबर तक की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बहुत फास्ट ट्रैक पर ये भर्ती होने वाली है। ये भर्ती है कहाँ की वो मैं बता देता हूँ आपका। मध्य प्रदेश में जो नगर निगम के अंतर्गत जो रिक्त पद 20-21 हज़ार जो पद थे उनको लेकर जो भर्ती प्रक्रिया है वो बहुत तेज़ी से की जा रही है सरकार द्वारा। तो उसी को लेकर ये विज्ञप्ति जो न्यूज़पेपर में आई थी उसको हम देख लेते हैं। ये न्यूज़ इसमें क्या है देखिएगा, सभी विभागों से बैकलॉग पदों की जानकारी मांगी है। इसमें साथ में साथ अगर आप बात करें साइक ग्रेड 3, ये देखिएगा आप, स्टेनो टाइपिस्ट हो गया, शीघ्र लेखक मतलब स्टेनोग्राफर, भ्रत, बहुत सारे पद हैं। साथ ही साथ इसमें क्या है आपके पद, सब इंजीनियर साइक इंजीनियर, ये भी है देखो ये वाले पद भी। इंजीनियरों के पद भरने की प्रक्रिया तैयार। नगर निगमों में मतलब 16 नगर निगम और बाकी सभी जिलों में जितने भी जहाँ जहाँ पर रिक्त पद हैं उन पर भरने की फुल तैयारी कर ली है नगर निगम ने। तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मतलब आपकी पीवी को इसकी जानकारी दे दी गई है। तो 30 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन वीडियो में मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि ये आप अगर चाहते हैं नगर निगम में कोई भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो ये नगर निगम की जो सीरीज है पीवी नगर निगम सीरीज है, ये परीक्षा ऐप आप डाउनलोड करें और परीक्षा ऐप पर अगर आप ये टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं और अगर आप हमारा कोड यूज़ करते हैं, क्या कोड यूज़ करना है RKDANGI50, तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। ये आपको 349 की टेस्ट सीरीज है, 349 इसकी प्राइस है। ये आपको कितने में पड़ जाएगी, 175 में, मतलब कि 50% डिस्काउंट में, आधी कीमत में आपको कब मिलेगी अगर आप ये वाला कोड यूज़ कर लेते हैं। ये कोड फिर से हम बता दें, RKDANGI लिखना है आपको, सभी कैपिटल में लिखना है और उसके बाद 50 कंटिन्यू आपको लिख के ये यूज़ कर लेना। ये परीक्षा ऐप कि डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी है, आप डाउनलोड करके ये नगर निगम वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। आप इसकी साइक ग्रेड 3 है, स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, सभी तरह की टेस्ट सीरीज इसमें दी हुई है, ये ज़रूर यूज़ करें। और चलिए हम पहले इस पे एक और चीज़ आ जाते हैं, योग्यता को लेकर जो भर्तियाँ हैं उनको लेकर योग्यता क्या क्या है। आपको जो मेन भर्तियों की बात करें, ये वाली जो भर्तियाँ हैं ये ग्रुप 4 की भर्तियाँ हैं जो ग्रुप 4 में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड लेता है। देखिए इसमें साइक ग्रेड 3, इसको LDC भी बोलते हैं, और फिर स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, इसमें भी 12वीं पास ही मांगा है, इसमें 12th पास प्लस CPCT मांगा है। ये योग्यता है स्टेनोग्राफर की, आपका स्टेनोग्राफी में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। भ्रत है चौकीदार, 10वीं पास है, ये सभी चीज़ों के लिए उन्होंने अलग अलग। अब साथ ही साथ एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, जो सहायक यंत्री है वो MPPSC लेगा, उसकी भी वैकेंसी डली हुई है। MPPSC कंडक्ट कराएगा, कौन सी वाली परीक्षा, ठीक है, ये MPPSC कौन सी वाली कराएगा, सहायक यंत्री, इसको बोलते हैं असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम। असिस्टेंट इंजीनियर वाला एग्जाम है, क्वालिफिकेशन वही है कि आपकी डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा, और साथ ही साथ उपयंत्री वाली जो भर्ती है उपयंत्री, ये PV कराएगा। तो PV पे पड़ी हुई है जो अप्रैल में आने वाली है वैकेंसी, उपयंत्री वाली या ग्रुप 3 की वैकेंसी है वो डली हुई है, तो उसके अंतर्गत उपयंत्री की हो जाएगी, MPPSC के अंतर्गत सहायक यंत्री की परीक्षा हो जाएगी। तो ये दोनों के लिए आप बिल्कुल तैयारी में लग जाएं। बाकी चीज़ों को उन्होंने दिया हुआ है, उद्यान परीक्षा की है, सब योग्यताएँ दी हुई हैं। ये वाली योग्यताओं से आप समझ लें कि आप कौन कौन सी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और किस किस के लिए आप एलिजिबल हैं। तो अगर आपने BE किया हुआ है किसी भी इन पर्टिकुलर ब्रांचों से, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल से, तो फिर आप ये जो ऊपर वाले जो दो हैं 11, 13 और 14 नंबर की वैकेंसी को आप फिल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा अपडेट है जो हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। आप तैयारी में लग जाइए, आने वाले 2-3 महीने बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस बार कर ली तैयारी तो आप बन जाएंगे, नहीं फिर आप समय व्यर्थ ना करें, आज ही से तैयारी में लग जाएं। और इस वीडियो को आपको अधिक से अधिक शेयर करना है, व्हाट्सअप, फेसबुक, जहाँ जहाँ आप एक्टिव हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी हम लगातार आपको वीडियो के माध्यम से लेके आते हैं। बेल आइकन को ऑन कर दें जिससे आने वाला कोई भी अपडेट आपसे छूटे ना। जाते जाते बस यही है कि आप तैयारी में लग जाएं और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।
हूँ।